हेलो एवरीवन, हाय बच्चा, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग नया कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आपका यूनिट्स एंड टॉपिक से। लेट्स सी कि किस तरह से आप डिमेंशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने डिमेंशंस लिखना सीखा कि हाउ वी कैन राइट दी डिमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फिर वो चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी हो, चाहे वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हो, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो हम आराम से लिख सकते हैं अगर हमको उसकी यूनिट्स पता है। या सपोज यूनिट्स नहीं पता है तो देन हमको अगर फॉर्मूलेस पता है तो देन जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सभी लोगों के साथ में आप शेयर कर लीजिएगा। बाकी जो भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। माई सेल्फ अर्चना पांडे एंड वेलकम टू 11th एंड 12th बाय अन अकेडमी। ठीक है, सो बच्चा उसके अलावा आप मुझे प्लस या आइकॉनिक पे ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय कोड अर्चना 10। और सबसे बड़ी बात, तो अभी तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अभी यू डोंट हैव टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो मतलब 1 वीक के लिए आप किसी भी कैटेगरी में, नॉट नेसेसरी सिर्फ K-12 वाले स्टूडेंट्स। अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल 11th स्टैंडर्ड से, 12th स्टैंडर्ड से आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इवन यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं अगर आप आ गए यहाँ से, ठीक है, कोई भी कैटेगरी अनअकैडमी जो भी कोर्सेज ऑफर करती है प्लस पर, आप उनका एक्सेस 7 डेज के लिए ले सकते हैं। और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, उसका बिल्कुल आप फायदा उठाइए। ठीक है, एंड यू गाइस कैन यूज माई कोड अर्चना 10। और लिंक जो है बच्चा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिकॉज अगर आपको डाउट होगा कि मैम लिंक कहाँ है, कि कैसे हम फ्री पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई सेड कि नीट जेई जो भी आप, जिसके लिए भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो अहेड बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सबके साथ में शेयर कर लिया होगा। तो देखो, आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से आप एक यूनिट को, या एक कह सकते हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो आज का मुद्दा है, मुद्दा इज हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम बट यूजिंग डायमेंशनल मेथड, या यू कैन से दैट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस इनटू अनदर सिस्टम, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आ गई होगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। एंड वैसे हम हाईलाइट तो कर ही सकते हैं, है ना, नॉट बैड। तो ये आज का हमारा एजेंडा है। तो देखो, अब जैसे आपको पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से होते हैं बच्चा, तो हमको मालूम है कि SI सिस्टम होता है ना। उसके पहले आपने पता है कि ठीक है CGS होता है, MKS होता है, FPS होता है। तो हम फिलहाल उन सब के साथ डील नहीं करेंगे, वी विल जस्ट डील विद SI एंड CGS। ठीक है, कि अगर मान लो कि एक एक यूनिट आपको पता है कि SI सिस्टम में है, दूसरा अगर आपको उसको CGS में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर आपको CGS में पता है बट उसको SI में नहीं पता है कि इक्विवेलेंट कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हाउ टू फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब SI टू CGS, CGS टू SI। हमको नहीं पता कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, कैन वी फाइंड आउट यूजिंग डायमेंशन मेथड? तो यस, लेट्स सी हाउ वी कैन गो अहेड। आई होप सभी लोग रेडी होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चा। मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो कितना डाइन होता है। तो यहां हम अज्यूम कर ले रहे हैं दैट लेट, ठीक है, लेट 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना एक्स डाइन। हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन। आई नो दैट कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, आप आंसर भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम उसको फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, डायमेंशन
हम उसको फाइंड आउट करते हैं. तो ठीक है, लेट्स गो अहेड नाउ. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन. क्लियर? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी. अब उसके बाद में आप देखो, न्यूटन और डाइन दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों ही फोर्स की यूनिट है ना. एक जो है वो क्या है, विच इज एसआई सिस्टम है, और दूसरा जो है वो क्या है, इज सीजीएस सिस्टम. अगर हम न्यूटन की बात करें तो ये आपकी एसआई यूनिट है, राइट? दिस इज द एसआई यूनिट. एंड डाइन की अगर हम बात करें तो दिस इज सीजीएस यूनिट. एंड दोनों ही किसके हैं, फोर्स के हैं, करेक्ट? Both the units are what? Whether it is Newton or Dyn, you can see that ki both are unit of force. इसका मतलब दोनों का dimension तो same ही होना चाहिए ना, because अगर force की ही unit है तो base तो same ही है दोनों का. तो चलो देखते हैं हम dimensions कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि force का dimension क्या है. देखो मैंने force का dimension लिखना last video में सिखाया था आपको, but ठीक है एक बार just quickly recap. Suppose इनको नहीं पता है कि how to write the dimension of force. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखने के लिए सबसे पहले तो एक हमको उसका यूनिट पता होना चाहिए. यूनिट मान लो न्यूटन है, बट मैम हम न्यूटन यूज करके तो लिख ही नहीं सकते हैं डायमेंशन. देखो आपको ये पता है कि सिंस फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. तो अब देयरफॉर इस बेसिस पे भी हम एसआई यूनिट क्या बोल सकते हैं, एसआई यूनिट तो एक न्यूटन है ही है, बट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू किसके इक्वल होगा, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी. एक्सेलरेशन हम सभी को पता है इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट? तो ये आ गया आपका न्यूटन का इक्विवेलेंट कन्वर्जन. मतलब न्यूटन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू व्हाट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी कहाँ से आया, तो आप यहाँ देख सकते हैं केजी जो है वो मास का है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दैट्स हाउ न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो चलो हमको ये मिल गया. सो देयरफॉर वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू एम एल टी हम लिखते हैं. तो चलो पहले हम ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद में हम पार्स लिख लेंगे. एम, एम स्टैंड्स फॉर मास. तो आप देखो यहाँ मास कोई है, यस केजी है. देखो उसका पार कितना है, 1 है. तो यहाँ पर मास रेस टू क्या आ जाएगा, 1. दूसरा एल, एल स्टैंड्स फॉर व्हाट, लेंथ. लेंथ देखो यहाँ पर मीटर है, मीटर का पार कितना है, 1 है. तो कैन वी से दैट कि यहाँ पर एल रेस टू 1 हो गया. उसके बाद टी आ जाता है बेटा, टी किसके लिए, सेकंड के लिए. तो देखो मतलब टाइम के लिए आप कह सकते हो. तो टाइम यहाँ पर यूनिट आपका देखो सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, बट वो डिनोमिनेटर में है. इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं, एस रेस टू माइनस टू हो जाएगा, बिल्कुल. तो कुछ भी अगर कोई भी यूनिट बेसिकली अगर डिनोमिनेटर में है जिसको हमको डायमेंशन में यूज करना है, सिंपली आप वही पार रखो विद नेगेटिव साइन लगा दो. क्यों नेगेटिव, क्योंकि आप अगर उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये मिल गया हमको डायमेंशन का, क्या फोर्स का डायमेंशन मिल गया. बट अगर आपको पता है फोर्स का डायमेंशन तो आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ठीक है सिंस दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. क्लियर है, अब हम इसको यहाँ पर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको. नाउ हियर we can say that which is therefore which is your x is nothing but is equals to, ek bacha newton jo hai wo aapka si system hai, cgs mein jo hai wo aapka dyn hai. to hamara jo base quantities hai wo alag alag hona chahiye, kyunki ek cgs aur ek mks, like for example aapki jo length ki unit hoti hai, si unit jo hoti hai wo kya hoti hai, meter hoti hai, aur cgs jo hoti hai centimeter. humko malum hai 1 meter is not equal to 1 centimeter. तो मतलब अलग अलग है, तो हमको बेस क्वान्टिटीज इस तरह से अलग लेना होगा. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एल वन, या चलो हम एम एल टी लिख रहे हैं ना, तो एम वन, एल वन, टी वन, ये एक क्वान्टिटी हो जाएगा, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए हो गया. और दूसरे के लिए हम बोल देंगे विच इज एम टू, एल टू एंड टी टू. ठीक है, ये हम लोगों ने जो यहाँ पर सफिक्स में नीचे जो लगाया हुआ है वो जस्ट इसलिए है कि एक एक जो है वो हमारा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एसआई सिस्टम, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
CGS सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अज्यूम करा हुआ है कि हमारा जो M1, L1, T1 है वो सारे के सारे मास, लेंथ और टाइम जो है वो SI सिस्टम में रहेंगे, और जो M2, L2, T2 है वो सारे के सारे किस में रहेंगे, CGS सिस्टम में। अब इनका MLT का जो पार्स है इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज व्हाट जो फोर्स का है। तो देखो फोर्स पे M^1 है, यहाँ भी M^1 आएगा, L^1 है, यहाँ भी L^1 आएगा, T^2 कितना है, -2 है, तो हियर ऑल्सो इट विल बी व्हाट, -2 ओनली, ये -2 रहेगा। सिमिलरली नीचे भी वही, बिकॉज अगेन यूनिट तो फोर्स का ही है, तो इट इज M^1, L^1, T-2। ठीक है, आई होप यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर बोलिए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, बेसिक जो हम लोगों ने स्कूल में इंडाइसेस रूल यूज करे हुए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर बेस सेम है, मतलब तो पार सेम है, तो हम उनको ऐसे एक कॉमन पार में लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड लेट्स गो अहेड नाउ। देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर M1/M2 कर लो, दोनों का पार सेम है, 1 हमने कॉमन पार ले लिया। सिमिलरली L1/L2 दोनों का पार सेम है, हम लोगों ने कॉमन पार ले लिया। उसके बाद में T1/T2 अगेन दोनों का पार सेम है विच इज -2, हमने इस तरह से इसको लिख लिया। ठीक है, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, आराम से आप देख सकते हैं हमने जस्ट बेसिक इंडाइसेस रूल सबका पार, जिनका जिनका पार सेम था उसको हम लोगों ने साथ में कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, देख अभी जो आपका यूनिट्स होता है, ठीक है, आई मीन CGS में और SI में उसी तरह से लिखेंगे। तो हम लोगों ने टॉप वाले जो वन वाले हैं M1, L1, T1 उनको हम लोगों ने SI के लिए अज्यूम किया हुआ है, और जो M2, L2, T2 है उनको हमने CGS के लिए अज्यूम किया है। तो रिस्पेक्टिव लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट्स लिखते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं X=, मास SI में मास क्या होता है, kg, वी कैन से दैट विच इज 1 kg। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, सिर्फ यूनिट लिख दो आप कि आपका kg हो गया, है ना। और CGS में क्या होता है, ग्राम, तो यहाँ पर raised to 1। लेंथ का SI क्या होता है, इज मीटर, CGS इज व्हाट, सेंटीमीटर। पार कितना है आप देख सकते हैं, इज 1। टाइम ये भी सेकेंड होता है, ये भी सेकेंड होता है, बिकॉज टाइम में तो कोई ऐसा भेदभाव ही नहीं है, तो हियर इज व्हाट, विच इज -2। आई होप सब चीजें क्लियर है, हमने जस्ट रिस्पेक्टिव यूनिट्स लिखी हुई हैं कि SI में लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट क्या होगा, CGS में लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो बच्चा देख, जब हम कन्वर्जन करेंगे तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखना कि किसी भी एक ही सिस्टम में सारे के सारे को कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आप ये जो आपके SI सिस्टम है इसको हम CGS में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब kg को हमने ग्राम्स में कर लिया, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कर लिया, सेकंड को जाने ही दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो ग्राम को आप kg में कर सकते हो, सेंटीमीटर को आप मीटर में कर सकते हो, बट इस तरह से नहीं करना कि एक को आपने CGS टू SI कर लिया और दूसरे को आपने SI टू CGS कर लिया, तो आपका जो प्रोसेस है वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब पूरा सेम मेथड फॉलो करना है आपको, जो एक टर्म में आप जो चीज करेंगे वही दूसरे टर्म में भी कर लेना। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं कि 1 kg, 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम, कैन बी से दैट इट इज 10^3 ग्राम, करेक्ट, ये आपका 10^3 ग्राम हो गया, और यहाँ पर ये ग्राम आ जाएगा, रेस टू कितना है, 1, 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, सो कैन से दैट इट इज 10^2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका बिकॉज 100 सेंटीमीटर होता है ना, अपॉन सेंटीमीटर रेस टू 1, सेकेंड सेकेंड कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये आप देखो आपका सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 raised to -2, 1 बचेगा। यहाँ भी हम कैंसिलेशंस कर सकते हैं, यहाँ क्या कैंसिलेशन होगा, दिस ग्राम ग्राम इज गॉन, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज गॉन, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, 10^3 raised to 1 into 10^2 raised to 1, और ये आपका हो गया 1 raised to -2। तो आप इंडाइसेस रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा इंडाइसेस रूल अप्लाई करेंगे, आप सभी को पता है सिंस a raised to n क्या होता है, a raised to m into n होता है ना, तो 3 into 1 क्या आ जाएगा, 3, तो 10^3 into 10^2 into 1, मतलब raised to 1 जो है 10^2, 1 raised to anything is 1 only, गलती से भी आप -2 मत लिखना। ठीक है, 1 का पार कितना भी हो, लैक्स हो, ठीक है, क्रोज हो, कुछ भी हो, बट
वन रेज टू है ना, तो वन ही रहने वाला है वो। अब वापस से दूसरा इंडाइसेस रूल आप अप्लाई करेंगे, कौन सा, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन वाला। बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, विच इज ए रेज टू एम प्लस एन। तो अल्टीमेटली यहाँ जब ये ऐड होगा तो 10^3 इंटू 10^2 कितना आ जाएगा, 10^5 है ना। और ये एक्स का वैल्यू मिल गया हमको 10^5। हम सभी को पता है, अब एक्स को अगर हम सब्सटीट्यूट करते, सिंस एक्स इज नथिंग बट दी वो 10^5। और आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, सो 1 न्यूटन इज वॉट 10^5 डाइन। मिल गया हमको कन्वर्जन फैक्टर, देयरफॉर वी कैन से दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो आप लोग भी अपने से ट्राई कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को एक होमवर्क दे देती हूँ मैं, यू गाइस कैन ट्राई एंड टेल मी कि आप लोगों को आया, बिकॉज कन्वर्जन फैक्टर तो आप एनी वेज निकाल सकते हैं, बट यूजिंग डायमेंशन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी इजी। 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग। और आप सभी को पता है कि जूल जो है वो किसका एसआई यूनिट है, तो जूल जो होता है विच इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एंड अर्ग जो है, अर्ग इज वॉट, विच इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। आप लोग इसको जरूर से ट्राई कीजिए एंड देखो, आप प्रैक्टिस करो कि आपको चीजें आ रही हैं क्या। इट इज वन, इट विल बी 1 जूल अपॉन 1 अर्ग हो जाएगा। वर्क का डायमेंशन लिखिए, ठीक है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला मैं आपको दे देती हूँ, सिंस वर्क डन इज नथिंग बट दी वॉट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एसआई यूनिट जो हो जाएगा, दैट एसआई यूनिट विल बी विच इज न्यूटन इंटू मीटर। इसको आप इक्विवेलेंट करेंगे, न्यूटन अभी हमने फाइंड आउट किया था, इट विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू एक और मीटर है, ये फाइनली क्या हो जाएगा, इट विल केजी मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आप आराम से वर्क का डायमेंशन लिख सकते हैं। ये उनके लिए है कि जिनको डायमेंशन लिखना अभी तक नहीं आया, जो मान लो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको ऑलरेडी आ गया, आप डायरेक्टली डायमेंशन लिख के आप फाइनली आगे के स्टेप्स कर सकते हैं। तो एम एल टी, एम आप देख सकते हैं पार कितना है मास का, सो 1। एल कितना है, एल इज 2। टाइम डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर है, तो ये आपका -2 आ गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। आप इसी को यूज कीजिए ये वाले फॉर्मूला में, और जैसे मैंने ये प्रीवियस स्टेप में यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं, यहाँ से आपको बाकी के स्टेप जो होंगे वो फॉलो करने होंगे। आई होप आप लोगों को एक चीजें समझ में आई। बच्चा इस चीज का ध्यान रखिए, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। एंड अगर आपको समझ में आया तो जरूर से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ में। एंड अभी जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 7 डेज के लिए मिल रहा है, आप उसका बिल्कुल से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप सारे के सारे जो प्लस के बैचेस हैं वो सब एकदम से स्टार्ट हो गई हैं, और जो पहले से चल रही हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 7 डेज पूरी तरह से फ्री एक्सेस है आप लोगों को अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म पर। तो कोई भी कोर्सेस, कोई भी कैटेगरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। So do not forget to use the code Archana10 and link is given below in description box. So that's it for the day. Bye bye. Take care everyone. Stay safe. Take care everyone.